वित्तीय संकट से जूझ रही जेट एयरवेज कंपनी की सभी फ्लाइटें अस्थायी रूप से बंद कर दी गईं, जिसकी वजह से कई हद तक उत्तराखंड में भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोली ग्रांट एयरपोर्ट में प्रतिदिन जेट एयरवेज की फ्लाइट से लगभग 1000 की संख्या में यात्री उत्तराखंड पहुंचते थे, जो कि दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी और कोलकाता जैसे बड़े शहरों को जोड़ती थी। बहुत फर्क पड़ता है। पहले तो क्या है, हम लोग वी आर फ्रीक्वेंट फ्लायर्स, तो आने जाने की सुविधा बहुत अच्छी रहती थी। अब सिर्फ एक ही बचा है, तो फिर उसके हिसाब से हमको टाइमिंग एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, कहने का मतलब है रोजगार के ऊपर अत्यंत आवश्यक, मतलब बहुत जरूरी है कि रोजगार में लोग बेरोजगार हो जाते हैं और काफ़ी स्टाफ को और काफ़ी पैसेंजर्स को भी मतलब तकलीफ होती है। और चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो जेट एयरवेज को चालू करना चाहिए किसी भी हाल में, मतलब रोजगार के ऊपर तो बहुत फर्क पड़ता है। इन उड़ानों के बंद होने से यात्रियों के साथ साथ टैक्सी चालकों की इनकम पर भी खासा असर पड़ेगा। जल्द ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में जेट एयरवेज का बंद हो जाना चारधाम करने वाले यात्रियों के लिए बुरा संकेत है। कहीं ना कहीं प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी इससे प्रभावित होगी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस मसले पर अब आगे क्या कार्रवाई होती है। देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।